Hi guys, welcome back to my mama's channel. It's mama's here. Are you there? Good. Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? आज यार वैसे मन किया मेरा कि मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करूं, अपनी एक मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं. मॉर्निंग रूटीन जनरली एक्चुअली जब आरव सुबह स्कूल जाता है ना तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. अब आरव घर पे है तो फिर घर की जो मॉर्निंग रूटीन होती है जब इसके हॉलीडेज चल रहे हैं, आप सबको पता है इसके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन होती है. तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी. मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन वगैरह कर ली है, मैंने अपना ब्रश कर लिया, फेस वॉश वगैरह कर लिया, क्रीम मैंने अपना सब कर लिया. ठीक है, अब भाई इसकी ये बेचारा बड़ा गंदा हुआ पड़ा, अभी तक इसने ब्रश भी नहीं किया, तो चलो अब इसको करते हैं. एंड सबसे पहले मैं इसको ब्रश करवाऊंगी एंड फेस वगैरह वॉश करूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहीं नहलाती. आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, नहीं तो इधर तो यार लुधियाना में रोज बारिश. आज थोड़ा सा ठीक है, धूप वगैरह निकली, काफी तेज सुबह सुबह धूप निकल गई. हस्बैंड मेरे हैं नहीं आज घर पे क्योंकि आज वो सुबह सुबह चले गए, उन्होंने कोई मैरिज अटेंड करनी थी तो चंडीगढ़ चले गए. सुबह कितने बजे गए? 6:30-7 बजे गए. 6:30-7 बजे गए. मैंने उनको नाश्ता वगैरह किया, उनको भेज के ना मैं जाके सो गई. फिर से इसलिए सो गई क्योंकि थोड़ा सा रात को लेट नाइट मैंने काम किया, फिर मैं सो गई थी उनको भेज के. एंड ओके, इस समय टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं. एंड चलो फिर फटाफट से मैं आपको ब्रश वगैरह कराना है और इसको भी दूध देना है, मैंने भी दूध पीना है. उसके बाद ही मैं थोड़ा सा यार कमरा सेट करूंगी. ओ माय गॉड, हर घर पे होता है ना भाई, सुबह सुबह कमरे का जो हालत हो जाती है ना, इसने सारे टॉयज एक साथ निकाल देने हैं, सारे के सारे टॉयज. मतलब कोई भी, मैं अगर रात को, मुझे क्या होता ना कि चलो कमरा थोड़ा सा सेट करके सो जाऊं, सुबह उठ के थोड़ा सा तो साफ दिखेगा कमरा. 10 मिनट नहीं होते, 10 मिनट में ये उठते और 10 मिनट में ये निकाल वो निकाल वो निकाल, तभी कमरे की हालत दिखाओगे ना, तो आप लोग कहोगे यार इतना गंदे इसके कमरे में. या पहले मैं दूध पीऊंगी, उसका सारा कमरा सेट करूंगी, फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता. नाश्ते में क्या बनाऊं? हस्बैंड सुबह वो खा के थे, रोटी और सब्जी खा के गए थे. देखते कुछ सूजी वाली ब्रेड बनाने का मेरा मन कर रहा है, जल्दी भी हो जाएगा, सिंपल भी है और फटाफट भी बन जाएगा, हेल्दी भी है और ये बंदर भी खा लेगा मन से. तो चलो फटाफट से लेट्स बिगिन. चल भाई चल ब्रश कराऊं मैं तुझे पहले. चलो इसको मैं ब्रश करवाती हूँ पहले. Yep, अब आरव की मॉर्निंग थोड़ी सी स्किन केयर रूटीन बिल्कुल हो चुकी है क्योंकि इसको मैंने ब्रश करवाया, हैंड वॉश करवाया, फेस वॉश करवाया और क्रीम वगैरह लगाई कॉम करके, इसको कैप डाल दी. थोड़ी सी ठंड होती है ना, मैं इसको थोड़ा सा कवर रखती हूँ, नहीं तो आपको अपने हॉल में देखा होगा, अमेजन हॉल में किसी हॉल में है ना, इसको कोल्ड लगा था तो थोड़ा सा यार ध्यान रखना पड़ता है ना. और अब तो चलो ठीक है, मेडिसिन वगैरह खाए इसने. अब मैं इसको दूंगी दूध और साथ में मैं भी पी लूंगी दूध, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मैं दूध ले लेती हूँ, फिर बाद में ना मेरे को क्या होता है, मैं नाश्ते के साथ ना मुझे चाय चाहिए होती है. मतलब मैं, मुझे नाश्ते के साथ चाय चाहिए होती है, मैं नहीं तो फिर से ना दिन नहीं मेरा शुरू होता. मैं ज्यादा चाय नहीं पीती, सिर्फ 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक बार सुबह एक बार दोपहर को, शाम को मतलब वही खाना वगैरह खाने के बाद. तो चलो फटाफट से मैं इसको दूध दूंगी, खुद दूध पीऊंगी एंड फिर रूम को थोड़ा सा क्लीन करूंगी, थोड़ा सा तो कर लूँ क्योंकि बेड भी नहीं अभी तक सेट किया हुआ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाएंगे. ठीक है चलो किचन में चलते हैं. ओके, अब हम आगे हैं किचन में एंड चलो अब हम करते अपने दूध को गर्म और दूध पीते हैं. एंड पहले मैं आरव को बिठा दूं. हाँ एक्चुअली आरव को पता है, आप सोच रहे होंगे कि मैं हर व्लॉग में इसको अपने साथ साथ क्यों रखती हूँ, क्योंकि अगर साथ नहीं रखूंगी ना तो ये भाग जाएगा तो फिर मुझे ये शोर मचाएगा बाहर जाके. एंड अभी बस इसको मैं टाइम से नाश्ता करवा दूं सुबह सुबह, नहीं तो छुट्टियां चल रही है ना, इसके आसपास वाले जितने घर के आसपास वाले लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं लोग, बोल रहा हूँ मैं, वो आ जाते फिर इसके साथ चलो खेलने, साइकिल चलाने, फिर इसको खाने का नहीं पता होता. इसको नहीं मतलब मैं खाऊं ना खाऊं, मैंने खाना खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो बस खेलता रहेगा, साइकिल चलाता रहेगा. तो मुझे इसलिए होता है कि सुबह सुबह चलो मैं इसको बस दे दूं, मतलब चलो अच्छे से इसको अपना नाश्ता वगैरह करा दूं, उसके बाद इसको मैं बाहर जाने दूं. इसे थोड़ा सा पकड़ के रखती हूँ.
तो चलो सबसे पहले तो बादाम भी गोए हुए हैं, बादाम खिलाऊंगी मैं इसको। एंड व्हाट, रो रो के खाता है बट खिला दिया करो अपने बच्चों को। इसको मैं छिलके उतारू। मैं मेरे हस्बैंड क्या करते ना, वो सुबह सुबह चाय नहीं पीते, वो दूध पीते हैं, लेकिन वो नाश्ता जब करते हैं ना उसके साथ ही दूध पी लेते हैं। और मेरा क्या है कि मैं सुबह सुबह जैसे अभी मैं ले लूंगी ना दूध नाश्ते के साथ, तो मुझे अपनी चाय चाहिए होती है। आई होप मैंने सही बोला। मैं भी लेती हूँ 5 बादाम की गिरिया ना, मैं भी लूंगी। अब देखो बादाम भिगो के रखे हुए हैं, मैं भी लूंगी 5 और साथ में मैं पीऊंगी अपना दूध। कैसी है? Yes. हाँ? अब अपने बच्चों को ना सुबह सुबह बादाम वगैरह दिया करो, उससे थोड़ा सा दिमाग भी तेज होता है, थोड़ा सा यू नो हेल्दी भी होते हैं। तो बस मैं तो यही बोलूंगी। तो चलो मैं पहले सब इनको छिल लूं। हाँ चलो दूध मैं लेके आती हूँ। और हाँ बोलो, अब गैस चाहिए। ओके, अब आरंभ के बीच से बातें शुरू होगी। पहले पता क्या था, मैं ना अपना ध्यान नहीं रखती थी। रुको मैं आपको बताती हूँ, पहले दूध को रख दूँ गैस पे। एक कप मेरा एंड एक कप मेरा एक ग्लास अरब एक कप। ओके, मैं आप लोगों को बोल रही थी, ये देखो पकड़ो, ठीक है। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं ना कम टाइम पहले तक ना जैसे अपना ध्यान नहीं रखती। आपको पता है यूट्यूब की वीडियोस बनाना कोई मजाक तो है नहीं, इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है उसके ऊपर। और ठीक है, कभी टाइम से खाया नहीं खाया। एंड जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मुझे ना थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गई थी, जॉन्डिस हो गया था ना, तो जब से थोड़ा सा मम्मा ने काफी डांटा। तो अपना ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, टाइम से खाओ पियो। तो थोड़ा सा मैं ध्यान रखना शुरू कर दिया है मैंने। मैं लूंगी दूध थोड़ा सा गुनगुना के, ज्यादा वो नहीं किया, ज्यादा गर्म ना आरव पी सकता है। मैं भी ज्यादा गर्म नहीं पीती, कौन लेके बैठा है। आरव से चल थोड़े से चॉकलेट डाल रही हूँ, थोड़े से डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालती, मीठे होता ना तो ज्यादा नहीं डालती। ये वाले चॉकलेट है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये लेगा। तब तक मैं अपना थोड़ा सा बादाम वगैरह खाता है, टाइम लगाता है उसमें। आपका दूध बिल्कुल तैयार, ये लो खोलो बेटा, मुंह बड़ा बोलते है ना, पकड़ो। चलो अब आरफ का तो हो गया, बैठो नहीं फिर उड़ो। चल आरफ को मैंने चौकस दे दिया, मैं पीऊंगी दूध। और अब ना पूछते थे कि मैं दूध में क्या डालती हूँ एक्स्ट्रा, जिससे थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी आ जाती है, कैसे आप इतना काम मैनेज कर पाते हो। तो डियर देखो, थक तो मैं भी जाती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, थक तो मैं भी जाती हूँ बेटा। आप ही अपना, आपने थोड़ा डाला है, मैं जब भी इसको पीते हो ना आरो कहेगा मम्मा चॉकलेट वाला मुझको भी दो। नहीं बेटा ये बड़ों वाला है, ये मम्मा का है, आप नहीं पी सकते। ये यार ओजीवा का है, प्रोटीन एंड हर्ब्स, तो इसको मैं पी रही हूँ काफी टाइम से, हो गया मुझे 1.5 महीना हो गया है। रिजल्ट मुझे काफी अच्छे लगे। सुबह सुबह पी लेती हूँ क्योंकि ताकि ना एनर्जी मेंटेन रहे पूरी बॉडी में, फिर बाद में तो भैया क्या काम करने पड़ते, यूट्यूब, घर, हस्बैंड, बच्चा, पढ़ाई, मतलब सारा कुछ। मैंने इसका हाफ स्कूप लिया है, ये वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ ये मत समझना। बट आप भी आप लोग ही पूछोगे दी कुछ दिखाओ। तो ये आपको अभी मैं थोड़ा सा, चलो एक छोटा सा इसका रिव्यू भी कर दूंगी, ताकि आप लोगों को ना अगर अच्छा लगता है प्रोडक्ट तो आप इसको खरीद सकते हो। परचेज लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्या है ये, ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स है फॉर वुमेन, ये वुमेन वाला है, ठीक है यार। सारी दिन मतलब आपका ना स्ट्रांग रहेगा, बाकी ये ना स्किन हेयर के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी टोनिंग के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रखेगा। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी क्लिप डाल देती हूँ एक छोटे से, तो पहले तो मैं इसको यार पी लूँ पहले, ठीक है। हाफ लिए मैंने, हाफ से भी थोड़ा सा कम ही था। अगर आप लोग जिम जाती है ना लड़कियां, तो फिर आप इससे ज्यादा क्वांटिटी डाल सकते हो, अदरवाइज इतना सफिशियंट होता है। मैं ना पहले मॉर्निंग वॉक करती हूँ लेकिन जब चार की छुट्टियां हो गई ना तो यार टाइम नहीं लगता। मैं भी थोड़ा सा लथार्जिक हो गई हूँ, लेट उठती हूँ, लेट वो करती हूँ इसलिए। बट मैं जब आरव चला जाता है ना सुबह स्कूल, तो उसको भेजने के बाद ना फिर मैं अपना मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा करती हूँ। मॉर्निंग वॉक करने के बाद ना फिर मैं ये इसको ड्रिंक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसे समय प्रोटीन चाहिए होता है ना बॉडी को।
बहुत इजीली ये मिक्स भी हो जाता है। हाँ, ठंडे पानी में मिक्स करोगे ना तो ये थोड़ा सा वो होता है, तो आप लोग ना गुनगुने। हाँ, पानी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग पानी में भी आप इसको मिक्स कर सकते हो, आप इसको दूध में मिक्स कर सकते हो, चॉइस आपकी अपनी है, आप जिसमें मर्जी आपको सही लगता है उसमें करो। हाँ जी बेटा, आप अपना खाई चलो। चलो कुछ लोग चाहते हैं चीनी ऐड करते हैं, तो चीनी अगर आपने ऐड करनी है आप चीनी ऐड कर लो। मैं नहीं ऐड करती, एक्स्ट्रा चीनी डालने की क्या जरूरत है, हैवी ऐसे चॉकलेट फ्लेवर है, चीनी जैसा वैसा कुछ लगता तो नहीं है, बट इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं जो आपको सही लगे आप देख लेना। लो बेबी, ना मेरे बेटा चलो फटाफट ना, थोड़ा सा मैं कमरा सेट करूँ यार, उसके बाद से नाश्ता बनाती हूँ। सूजी ली ब्रेड बना रही थी, मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दू, थोड़ा सा डिफरेंट से यार वीडियो हो जाएगी, नहीं तो आपको पता है रोज वही 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 मेकअप ये वो, थोड़ा सा मुझे भी होता है चेंज चाहिए होता है। आई एम डॉन, टेस्टी है ना, यम है यम। ओके तो चलो ये हो गया, मैंने इसको पी लिया, इसको थोड़ा बंद करके रखना भाई, फटाफट में मैंने बंद नहीं किया, हवा वगैरह लग जाएगी उसको। एक छोटी सी क्लिप में अभी आप लोगों के लिए इंसर्ट कर दूंगी, थोड़ा सा क्या इसका जो भी इसके ऊपर लिखा है प्राइसिंग वगैरह कुछ भी है ना, तो आप लोग देख लेना अगर एनी आवन वो चीज बड़ी सही वाली चीज है। प्योर वेजिटेरियन है भाई, जो लोग प्योर वेज है ना उनके लिए सही होगा, बाकी नॉन वेज तो देखो मेरे से भी नहीं लिया जाता, क्या उसमें क्या क्या डाला होता है पता नहीं, पीले बेटा क्यों गिरा रहा है। ठीक है तो चलो ये हो गया मेरे का काम खत्म, ये है ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमन, ये बॉडी की टोनिंग के लिए हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज करेगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। क्वांटिटी इसके 500 ग्राम दी हुई है, एंड ये वाला मेरा ना चॉकलेट फ्लेवर, आपको और भी फ्लेवर्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। और इसके अंदर शुगर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर शुगर नहीं है, 23 ग्राम प्रोटीन डाला हुआ है, 5.5 ग्राम BCAA डाला। प्राइस आप देख सकते हो 1699, बाकी मैंने जो आपको लिंक प्रोवाइड किया आप उसके थ्रू जाके जरूर देख लेना, हो सकता है अगर आपको कोई डिस्काउंट होगा तो आपको मिल जाएगा, और 1.5 साल आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। आप देख सकते हो ना 18 मंथ्स इन्होंने लिखा हुआ है। और इसके अंदर और क्या है, सोए फ्री है, ग्लूटन फ्री है, नो एडेड शुगर है, नॉन GMO, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नो प्रेजर्वेटिव, कुछ भी ऐसा वैसा इन्होंने नहीं डाला हुआ इसके अंदर। आपके मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके अंदर गुडुची ग्रीन टी एंड सिनेमन डाला हुआ है, दालचीनी डाली हुई है, स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा क्योंकि इसके अंदर बायोटिन डाला है, आयरन जिंक विटामिन ए विटामिन डी विटामिन सी बी विटामिन्स डाले हुए हैं। ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके पापेन डाला हुआ है, ब्रोमेलाइन। पापेन क्या होता है, पपीते को हम कहते हैं, जो पपाया होता है ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करता है। क्लीन, इसके अंदर क्लीन प्रोटीन है, कोल्ड प्रेस्ड एंड अल्ट्रा फिल्टर्ड, वे प्रोटीन कंसेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट है, हार्मोनल बैलेंस को बिल्कुल सही रखेगा आपका क्योंकि इसके अंदर शतावरी फ्लैक्सीड तुलसी और कुरक्यूमन। आपने इसको पीना कैसे है, पानी में पी सकते हो या फिर आप इसको मिल्क में डाल के पी सकते हो अच्छी तरह से आप। ओके, आप इसको शेकर में भी डाल के कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ठंडा पानी लोगे ना या कुछ लोगे, मतलब नॉर्मल वाटर लोगे, तो थोड़ा सा आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको शेकर में मिक्स कर लो तो बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूध को या पानी को थोड़ा सा वार्म कर लोगे ना, जैसे थोड़ा सा गुनगुना कर लोगे, तो बहुत आराम से ग्लास में भी मिक्स हो जाएगा। आपने देखा मैंने ग्लास में मिक्स किया क्योंकि मैंने दूध को गुनगुना कर लिया था। बस यही है डियर, और तो कुछ है नहीं इसके ऊपर, देख सकते हो आप, थोड़ा सा ओपन करके चलो दिखा देती हूँ मैं आपको। परचेज लिंक्स मैंने डाल दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना, इनकेस अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आपको परचेज लिंक्स प्रोवाइड कर दिए मैंने। इतना बड़ा स्कूप है, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हो ना तो आप स्कूप वगैरह इतना डाल सकते हो। ठीक है, जैसे जो एक्सरसाइज करती हैं हार्डकोर, जो लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं जिम वगैरह में जाके वेट वगैरह लिफ्ट करती है, तो उनके लिए तो भैया एक स्कूप काफ़ी है, बल्कि मेरे लिए जैसे मैं हूँ, मैं अब इतना नहीं ना मेरा वैसा वाला काम होता, तो मेरे लिए आधा चम्मच काफ़ी है ये। ठीक है, इतना मतलब बता रही हूँ या दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मैं इसको 1.5-2 महीने से ले रही हूँ तो मुझे पसंद आ रहा है, मुझे फील होता है कि एनर्जी रहती है मेरी बॉडी के अंदर। नहीं तो यार आपको पता ही है मेरा कितना ज़्यादा हार्डवर्क है, थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स वगैरह। ठीक है, इसके अंदर जो जो चीज़ें डाली हुई अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप इसको रीड कर सकते हो।
जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे आपको रीड कर ही दिए हैं, जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं। मैंने बस रूम का थोड़ा बहुत सा अपना बेड वगैरह थोड़ा सा सेट किया, थोड़ी सी डस्टिंग की, ज्यादा तो नहीं डीपली इतनी ज्यादा डस्टिंग की, क्योंकि रोज सुबह पता क्या होता है, अगर इतनी सी कर दो ना, बस थोड़ा सा सेटिंग कर दो तो एटलीस्ट सारा दिन ढंग से निकल जाता है, नहीं तो अगर इसको फिर तो आपको पता है अभी तो मैंने की सुबह उठ के आराम, मतलब पता नहीं क्या होता है उठते सार बस ये शुरू हो जाता है, जितनी देर मैं अपना बाथरूम आऊंगी ना ये निकाल वो निकाल वो निकाल, मतलब बच्चा है यार, इसको भी क्यों बंदा इतना बोले, क्योंकि अकेला है ना घर पे, मतलब भाई बहन तो है नहीं भैया इसका, तो थोड़ा सा होता है इसको, मैं टॉयज है उसके साथ खेलो, बस मुझे इतना कि एक बार अगर मैंने सुबह सुबह थोड़ी सी क्लीनलीनेस कर दी है ना, फिर बाद में यार मुझे अपने घर के काम होते हैं, यूट्यूब के काम है, अब मैंने नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी बन जाएगा फटाफट, और उसके बाद फिर नाश्ता करूंगी, एंड या फिर बीच में मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो कि मैं आप यूट्यूब के ऊपर ना देखूं क्या, मतलब क्या अपडेट करना है, कुछ मैंने नहीं करी अभी, पोस्ट भी डालनी है, बट अभी जैसे नाश्ता करूंगी ना साथ साथ में फिर करूँ, क्योंकि मेरा सारा काम यार फोन पे ही होता है, तो नाश्ता करती रहती हूँ साथ में, चाय पीते रहते साथ में, अपना काम कर लेती हूँ। तो चलो बेटा उठो, इसको पता नहीं क्या हो जाता है, दो दो मिनट बाद में नीचे उतर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाता है, खिसक जाएगा फिर नीचे बैठ जाएगा। चलो फटाफट से किचन में चलते, आपने चलना मेरे साथ किचन में, टीवी देखना है, टीवी देखना, आप टीवी देखो, चलो किचन से चलो, जैसे आपका मन करे, बस आप कैमरा आ जाओ ना, है ना, तो आज मेरे साथ किचन में जाए कमेंट्री करने, चलो चलो चलते हैं, चलो ओके। अब मैं लूंगी सूजी, एंड सूजी वैसे तो यार मैं अंदाजे से ले लेती हूँ, बट वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा सा मेजर कर रही हूँ, और तो कुछ नहीं, 200 ग्राम सूजी है समझो, ये बड़ा वाला कप है ना, मतलब मेजरिंग कप, 200 ग्राम की सूजी है। अब इसके अंदर ना जितनी सूजी ली ना उतना ही पानी डालूंगी, मैंने 100 ग्राम डाल चुकी हूँ, 100 ग्राम और डाल रही हूँ, मतलब सेम क्वांटिटी की सूजी लेनी है आपने, सेम आपने इतना पानी लेना है। आप चाहो तो दूध भी मिक्स कर सकते हो, वैसे तो आप तो दूध भी मिक्स कर सकते हो, बस मैं इतना अभी तक आराम से, ताकि आपके देखो सूजी मिक्स हो जाए, एंड थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, क्योंकि अभी ना सूजी फूलेगी, अभी 10 मिनट तक अपने प्याज जो भी मतलब मैं इसके अंदर डालती हूँ ना, प्याज टमाटर धनिया मिर्ची गाजर जो भी डालती हूँ, तब तक ये मेरी सूजी एकदम फूल के तैयार हो जाएगी, फिर बाद में देखूंगी और पानी डालने की जरूरत और डाल दूंगी, अगर आप लोग दूध डालना चाहते हो तो आप दूध डाल लेना। ओके, मैं अब अपने सूजी के बैटर में ना मैं ये सब चीजें डालती हूँ, आप अपनी चॉइस के साथ डाल सकते हो, प्याज डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, गाजर हरी मिर्ची एंड धनिया, ठीक है, सारी की सारी क्वांटिटी नहीं जाएगी, थोड़ी हाफ हाफ क्वांटिटी जाएगी, अगर मेरे हस्बैंड होते तो मैं और इसकी सूजी मतलब मिक्स करती, ठीक है ना, और बैटर इन बनाती, तो फिर और मैं ये पूरा पूरा ये चला जाता, अब मैं सिर्फ हाफ हाफ डालूंगी, तो फटाफट से अब इनको क्लीन कर लेते हैं। We'll be right back.
देख लो मैंने इसको अच्छी तरह से ना साफ कर लिया सारा कुछ जो भी मैंने इसको क्लीन वगैरह करना था। उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया, तो अब मैं इसको अपने सूजी के बैटर में कट कर। अब मैंने सारी चीजें इसके अंदर काट दी एंड देखने में आपको लग रहा होगा कितना कुछ इसके अंदर डाल दिया, बट मैंने क्या किया था ना पूरे के पूरा टमाटर ही डाल दिया यार। काटते काटते ना फिर मुझे लग रहा था कि नहीं इसके अंदर और डल सकता है। एट द एंड यार मुझे ये तब टेस्टी लगती है जब इसके अंदर काफी सारे ना वेजिटेबल्स मुंह के अंदर आए, क्या फायदा, नहीं तो सिर्फ सूजी सूजी ही खाते रह जाओ। तो इसलिए बस मैंने इसके अंदर एक पूरा टमाटर भी डाल दिया था एंड चलो अब इसके अंदर जो भी नमक वगैरह डालना है डालते हैं। ओके अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, नमक अंदाजे से डाल लो यार, ठीक है अभी तो इतना डाल रही हूँ एक चम्मच, बाकी सॉस भी डालूंगी ना तो देखती हूँ। मिर्ची तो मैंने डाल दी इसके अंदर, एक डाली दी थी मिर्ची एक्चुअली, वो वाली भी कट कर दी थी, और ये मैं डाल रही काली मिर्ची हाफ चम्मच डाली है मैंने बस। एंड अब मैं इसके अंदर डालूंगी सॉस, टोमेटो सॉस डालूंगी थोड़ा सा ना इसका टेस्ट सा अच्छा आ जाता है, ये मैगी की है एंड आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो यार। देखो ये मैं जस्ट अपना तरीका होता है जो मैं बस आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं, सब कुछ आप अपनी मर्जी से बना सकते हो काट सकते हो। आज पता नहीं क्या वो जल्दी जल्दी मैं अपने हैंड्स के साथ कट करने लगी, नहीं तो कई बार क्या होता है कि मैं जो मेरे पास चॉपर नहीं है मैं उसके साथ कट करती हूँ, डिपेंड करता है यार मूड के ऊपर और कुछ नहीं है। चलो मिक्स कर लिया, थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ एंड अब मैं बनाती हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा और नमक ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके अब ये है, मैंने आपको दिखाया था ना अमेजन हॉल में कि मैं पिजन के लेके आई थी, ये बस पिजन का ही है, पिजन वालों की ऐड नहीं कर रही, बस वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ना पूछते हो कि दी आप हमें रिव्यू बताना कैसा है कैसा नहीं है, तो बस इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी ऑयल के साथ ना ग्रीसिंग कर दूंगी इसकी क्योंकि आपको पता है इतनी ज्यादा इनको ना जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी ठीक है। थोड़ी सी इसको मैंने फैला दिया, ये है मेरी ब्राउन ब्रेड और यप बस थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी इसके ऊपर अच्छी तरह से। आपने कम खाना है, कुछ लोग कम खाते हैं बैटर, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेती हूँ ताकि बैटर वगैरह खा। इसके अंदर फ़ायदा ये है, इसमें क्या नुकसान है, सारी सब्जियाँ डाली हैं, सूजी डाली है, मैदा थोड़ा सा नुकसान करता है, सूजी तो आपकी हेल्दी होती है ना। बस अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी, देख सकते हो एक और पीस ऐसे तैयार करती हूँ। ज़्यादा ना तेज पे मत रखना आप इसको, तेज पे रखोगे तो क्या होगा ये ऊपर ऊपर से काली हो जाएगी अंदर से कच्ची रह जाएगी फिर, क्योंकि आप देख रहे हो ना मैंने मोटी मोटी सी लेयर लगाई है। दो दो पीस मेरे बिल्कुल तैयार हो गए पूरे अभी मतलब। चलो अब मैं आलू को बिठा बैठ जा, भूख लगी इसको भी, फटाफट से मैं अपने साथ में चाय भी रख लूं, खाएगा आलू। अब अपने बच्चों को भी ऐसी चीजें दे सकते हो, ये भी हेल्दी चीजें ही होती है, अब अपने बच्चों को दो, इतनी सारा कुछ डालो इसके अंदर उनको टेस्टी लगेगा। बस चीनी डाल दू, एक ही कप चाय बनानी है मैंने तो एक ही चम्मच चीनी डाली आदत में, चाय पत्ती डलेगी, चाय बना रही बेटा पीने अपने चाय। ये क्या ये बेटा सूजी की ब्रेड है भाई, मेरे भाई ने भी अपने चैनल के ऊपर सूजली ब्रेड की रेसिपी डाली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ना सुमित का चैनल तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो।
उसके दो चैनल है, एक हो गया कुकिंग का चैनल, एक उसने नया नया है अभी तो मतलब, बट मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू ना अपने जो एक है मिस्टर बग्गा, ठीक है जो कुकिंग का चैनल है, एक है मिस्टर बग्गा टेक, टेक पे मैंने उसको क्या सजेस्ट किया है कि टेक्निकल चीजें तो चलो उसका जो रिव्यू करेगा उसको करेगा। मेरा जिससे बात हो रही थी मैंने उसको बोला कि तू ना उनके ऊपर ना यूट्यूब की वीडियो कैसे बनाते हैं, चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं, थंबनेल, टैगिंग और मतलब ईच टाइटल, ये मतलब एक एक चीज यूट्यूब के बारे में ना तू डिटेल डालना शुरू कर दे वीडियो की। उससे क्या होगा, एक तो चैनल की भी ग्रोथ होगी, दूसरा आप लोगों की हेल्प हो जाएगी इससे, क्योंकि ना मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं हम चैनल कैसे स्टार्ट करें, वीडियो कैसे अपलोड करें, थंबनेल कौन सा लगाती हो, एडिटिंग कैसे करते हो, एडिटिंग करके दिखाओ, मतलब इतने सारे क्वेश्चन। एंड अंडरस्टैंड करो भैया मेरे पास एकदम टाइम नहीं है इतना टेक्निकली, फिर तो मेरे तो जो बच्चे कुछ जाने गई काम से, मैंने इसको बोला मैंने जब सारे इतना पूछ रहे हैं मतलब सबको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो सबकी हेल्प के लिए ऐसे करते हैं कि तू कुछ ऐसा अपलोड करना शुरू कर दे। तो प्लीज आप लोगों ने मेरे भाई का टेक्निकल चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है, जिनको जो प्रॉब्लम होगी ना मुझे बताना, मेरे भाई को बताना, उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और क्या टॉपिक था यार, याद नहीं आ रहा मेरे दिमाग में अभी समय। मोनेटाइजेशन, मुझे कोई पूछ रहा कि हमारा चैनल वो जो डेट टाइमिंग होती है ना थोड़े से उनकी 4000 आवर पूरा हो जाता है, मोनेटाइज कैसे करें, बिकॉज मोनेटाइजेशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। बाद में अगर आपके 1 लाख हो जाते हैं तो आपने वहां पे मेल डालनी होती है ताकि आपको मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब सब कुछ आपको मिलेगा उसके चैनल पे, तो आपने जाना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तब वाओ लुक इन माय ब्रेड वाओ सो गुड, दिखाना पड़ेगा बैक कैमरा से, रुक जाओ। ओके ये हो तो गई है, लेकिन मैं थोड़ी सी ना इस तरफ ना ग्रीसिंग करूंगी इसकी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, ठीक है। बच्चा भी है ना मेरा, तो मैं उसको भी बहुत ज्यादा तेल वगैरह वैसे नहीं देती अननेसेसरी, मतलब ऐसे ही बस कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अप डाउन कर लूँ, हो गया। कितना कम तेल डाला और कितनी आराम से हो गई, तो पता आपको सूजी ब्रेड में इतना ज्यादा तेल डलता है, तो मुझे तो भैया ये पसंद आया, ये नॉन स्टिक बहुत सही लगे मुझे ये। आजा मैं सुख नहीं रहा, ये हो गया या, थोड़ा सा इसको बस प्रेस कर ले एंड देखो कितनी सुंदर तरीके से बन गया ना। चलो दूध मैंने डाल दिया चाय के अंदर और ये मेरी हो चुकी है तैयार, पलट के देखते हैं। पलटो या एकदम ब्राउन एंड क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा इधर से भी कर दूं, बस दो पीस मैं खाऊंगी, एक पीस आरफ खाएगा, ये एक ही पीस खाता है। चलो मैं इसका अपने डाल दूं पहले, थोड़ी सी सॉस डालती हूँ। आप चाहो तो आप सॉस के साथ खा सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी खा सकते हो जैसे आपको सही लगे। मम्मा मुझे सॉस नहीं चाहिए। नहीं बाबू आपको नहीं दे रही बेटा, आपको कभी दिया मम्मा ने सॉस के साथ? नहीं ना, आपका गला खराब हो जाएगा ना इसलिए। या चलो ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया, मैं अपनी चाय लूंगी साथ में एंड खा लूंगी। ओके अब हम आ गए हैं रूम में एंड मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता, यही है हमारी यार मॉर्निंग की रूटीन, और तो कुछ नहीं है क्योंकि टीवी आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, सिग्नल नॉट फाउंड आ रहा था, अरे बेचारा बोर हो रहा है। ये लो अरे फटाफट से खा लो, ये लो थोड़ा सा इसको ना मिर्ची वगैरह चेक करके खिलाती हूँ ना कि मिर्ची का वो टुकड़ा नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने इसके अंदर डाली हुई ना। खाओ बेटा खाओ, सॉस नहीं डाली बेटा, नहीं दी आपको सॉस लगा के, नहीं दी मैंने जी, थोड़ा गर्म लग रहा है। गर्म लग रहा है, ठीक है बेटा अंदर से गर्म है बेटा, ठीक है आप डालो तो सही, ठीक है बस फिर मैं फूक आ जाती हूँ। और वो आपकी पहली बनाई थी ना ब्रेड, तब तक तो ठंडी भी होगी। ओके कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, बताना जरूर था, कुछ भी नहीं वैसे मन किया कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं एंड थोड़ा सा चेंज करना था यार, वही रोज रोज वही वीडियोस, एंड कई बार होता है ना वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, ऐसे आप लोगों के साथ थोड़ा सा
वीडियो से थोड़ा सा नो हटके ये थोड़ी सी डिफरेंट सी वीडियोस होती है, प्लस आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते थे इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। और एक और चीज है कि कुछ बोलने वाली थी मैं भूल गई कि आरएम का भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अब थोड़ी देर तक देख लेना इसका फ्रेंड आ जाएगा, फिर उसके साथ खेलने लग जाएगा, फिर मैं अपना यूट्यूब का थोड़ा सा काम करूंगी बीच में एक दो घंटा, फिर तो बैठी रोटी का टाइम हो जाएगा, बस यही रोज की रही रूटीन है और क्या है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप लोग सूजली ब्रेड में क्या डालते हो मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को मुझे मजा आएगा जानने में कि आप लोग क्या डालते हो, कैसे बनाते हो, जैसे मैं बनाती हूँ अगर आप कभी वैसे बनाओगे तो भी मुझे बताना कि आपको कैसा टेस्ट लगा। एंड या मेरे भाई के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैंने आपको जो भी नो प्रोडक्ट दिखाया अगर आपको इंटरेस्टेड हो खरीदने में तो आपको मैं परचेज लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है बेबी जल्दी जल्दी खाओ। क्या चाहिए कोई ना मैं देखती हूँ। चलो यही थे मेरी आज की वीडियो। एंड आरफ को तो मतलब बस बेचारे यार घर पे अकेला होता है ना तो कुछ मांग रहा था बीदर कि मम्मा मुझे पॉपर रोल वाला ना कुछ चाहिए, मैं देखती हूँ इसको क्या। नो 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 अपने आप आपने कुछ भी नहीं ऑर्डर करना। पसंदीदा अभी पसंद हाँ नहीं अभी ऐसे नहीं ऑर्डर प्लेस करना। मैंने देखते हो बारह का क्या रिजल्ट आता है एग्जाम, तो जब इसे पूछो ना कि बेटा एग्जाम कैसे हुए तेरे तो कहेगा बहुत अच्छे हुए बहुत अच्छे हुए, सारा सुना दिया मैंने, अब रिजल्ट में पता लगेगा कितना अच्छा हुआ क्या क्या आया और क्या। चलो यार यही थी मेरी आज की वीडियो। एंड बस अब मेरा यही सब चलना है, थोड़ी देर अपना काम वगैरह करूंगी। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो आप लोग बताना जरूर। एंड जो मैं अपना घर का ये वो काम वगैरह करती हूँ आप लोग मेरे से रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि मैं भी आप जैसी हूँ यार, एक हाउस वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के यूट्यूब की बस वीडियो वगैरह बना लेती हूँ और तो कुछ नहीं। अच्छी लगी लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली अपने सबके साथ शेयर करना है। और या मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करने वाले अपने रेड बटन क्लिक करना है, साथ में अपने टिक दी अपने बेल को क्लिक करना है ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। एंड या मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बस बाय, अभी से फोन लेती हूँ मैं, मुझे फोन पे काम है। ओके यार मेरा मन किया ना कि मैं आप लोगों के लिए एक एडिशनल वैसी क्लिप ऐड कर दूं। जब आपका ये बैटर बन जाता है ना, ठीक है थोड़ा सा बच जाता, आपने देखा मेरा थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो मैंने क्या किया उसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा, उसको जस्ट थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा पतला हो जाए, डायरेक्ट तवे पे डाल दिया, इससे क्या होगा मेरा सूजी का पूड़ा तैयार हो जाएगा। ठीक है बस ये एक एडिशनल था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर ब्रेड के साथ नहीं खाना था डायरेक्ट बना सकते हो, वैसे जब ये एक साइड से बन जाए तो आपने क्या करना है बस थोड़ा सा इसको डाल दो, या हो गया। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आपको ऐसे भी खा सकते हो सॉस के साथ। बिल्कुल तैयार हो गया, आपको मैं पलट के दिखा देती हूँ। मुझे नॉनस्टिक का ये भी बड़ा पसंद है यार, आराम से देखो कितने तेल कम तेल में बन गया ना, बस जस्ट ड्रॉप्स डाले और हो गया। यप अब अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, वैसे भी दे सकते हो, शाम के स्नैक्स के तौर पर दे सकते हो। एक्चुअली अभी एडिटिंग कर रही थी ना तो मन किया, शाम का टाइम था, यप शाम का टाइम था, एडिटिंग कर रही थी, मेरा मन किया कि चलो अब मैं थोड़ा सा बैटर बच गया उसका थोड़ा सा पूड़ा वगैरह बना देती हूँ, आरव भी खा लेगा एंड मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी, तो बस इसलिए आप लोगों के लिए क्लिप ऐड कर दी। राइट नाउ क्या बन रहा है मेरे किचन में, पॉपकॉर्न बन रहे हैं, मेरे पॉपकॉर्न, आरव के पॉपकॉर्न बन रहे हैं, बाय। अच्छा आरव का ना कुछ बोलने का मन था। ओके मेरे पॉपकॉर्न बन चुके हैं तो फिर अब तो मैं खा रहा हूँ। बाय कर दे, बाय।